2024 में आपको शाहरुख खान की कोई भी फिल्म नहीं देखने को मिली, और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2025 में भी आपको शाहरुख खान की कोई भी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक खबरें ये आ रही थी कि शाहरुख खान की दी किंग फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर काम चल रहा है और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने विदेशी स्टंट की टीम को बुलाया था। लेकिन कुछ टाइम से अपडेट ये आ रही थी कि शाहरुख खान की किंग फिल्म जो कि अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने से फ्लोर पर आ जाएगी, फिर किंग फिल्म के मेकर जो कि शाहरुख खान की किंग फिल्म को 2025 के एंड तक रिलीज कर देंगे। लेकिन अब किंग फिल्म की शूटिंग डेट्स को आगे खिसका दिया गया है और अब शाहरुख खान 2025 की जनवरी से इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे, और इसके पीछे काफी सारे रीजंस है, क्योंकि किंग फिल्म को बड़े पर्दे पर लाने और इस फिल्म को धुआंधार फिल्म बनाने के लिए शाहरुख खान इस फिल्म के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए शाहरुख खान सुजोय घोष और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ मिलकर अपनी इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि इस फिल्म के अंदर जरा सी भी चूक ना रह जाए, क्योंकि किंग फिल्म के साथ शाहरुख खान पूरे 3 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। इसलिए शाहरुख खान के कमबैक को और इस फिल्म को स्पेशल बनाया जा रहा है, और इस फिल्म के मेकर्स जो यूरोप के खास मौसम में अपनी इस फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, इसलिए वो जनवरी के महीने से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। और कुछ दिन पहले हमें अपडेट के द्वारा यह बताया गया था कि शाहरुख खान की किंग फिल्म के अंदर विलन के किरदार में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभिषेक बच्चन के किरदार को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, और किंग फिल्म के अंदर शाहरुख खान लीड रोल में होंगे, और इसी के साथ साथ शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान उनके साथ सपोर्टिंग करेक्टर में नजर आएगी। और इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान जो एक गैंगस्टर या फिर डॉन के किरदार में नजर आएंगे, और उनकी बेटी सुहाना खान होगी उनकी शिष्या, जिनको वो ट्रेनिंग देंगे, और उस ट्रेनिंग को पूरा होने के बाद सुहाना खान अपना बदला पूरा करेगी, क्योंकि बचपन में सुहाना खान के माता पिता को कोई विलन मार देता है, और तब से ही सुहाना खान जो अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहती है, और इसी के बीच में उनकी मुलाकात शाहरुख खान से होगी। और इस फिल्म में शाहरुख खान जो सुहाना खान के गुरु होंगे, जो उनको ट्रेन करेंगे, और शाहरुख खान अपनी इस फिल्म को और भी बेहद खास बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का काम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को सौंपा है। और इस फिल्म के साथ साथ शाहरुख खान अपनी आने वाली पठान 2 फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुन रहे हैं, और इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 2025 के एंड तक शाहरुख खान अपनी किंग फिल्म के काम को कंप्लीट करके फिर वो अपनी पठान 2 फिल्म के काम में जुट जाएंगे। तो अब आप लोगों की बारी है कि आप शाहरुख खान की कौन सी फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, शाहरुख खान की पठान 2 या फिर शाहरुख खान की किंग फिल्म को। इसके ऊपर आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इसी के साथ साथ अगर